Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah sallallahu taala alayka wasallam. Mere pyare aqa alayhi salatu wa taslim ke pyare diwano, aksar ye sawalat aaye hain ki hazrat jab hum namaz padhte hain to aksar asr mein ya fajar ke andar imam jab al fatiha bolta hai to fir al fatiha jab imam bolta hai to usme kya padhna chahiye. लेकिन अक्सर महाराष्ट्र वगैरह में या मुंबई वगैरह में जो नमाज पढ़ते हैं वो दुआए सानी जब होती है दूसरी दुआ तो उसमें इमाम अल फातिहा बोलता है तो अल फातिहा जब इमाम बोलता है तो फिर आखिर उसमें क्या पढ़ना चाहिए तो देखिए जब इमाम अल फातिहा बोलता है तो आपके पास दो सूरतें हैं या आप कोई दुआ मांग सकते हैं या फिर आप सूरह फातिहा आप पढ़ सकते हैं और बेहतरीन तरीका जो उलमा ने बताया है वो यही बताया है कि आप जब इमाम अल फातिहा कहे तो उसमें सूरह फातिहा ही पढ़ना चाहिए क्योंकि सूरह फातिहा भी एक दुआ ही है और आप अगर कुछ मांगना चाहते हैं तो मांग भी सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि जो मांगने का तरीका जो होता है वो दो तरीके होते हैं। आप अपनी सोसाइटी में अपने गांव के अंदर देखते हैं कि जो मांगने वाले लोग आते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक वो होता है कि जो आके इंसान से डायरेक्ट मांग लेता है कि भाई अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो और दूसरा जो मांगने वाला आता है वो पहले तुम्हारी तारीफ करता है तुम्हारे बाल बच्चे खुशी रहें तुम्हारा घर जो है वह आबाद रहे और तुम ऐसे हो तुमको अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है। पहले इंसान उसकी तारीफ करता है और तारीफ करने के बाद फिर वह उससे मांगता है तो जो इंसान जो मांगने वाला सबसे पहले उस इंसान की तारीफ करता है और फिर मांगता है तो फिर उसका दिल भी खुश होता है और वो ज्यादा देता है और ज्यादा देने की कोशिश करता है किसने मेरी तारीफ की है तो इसलिए वो ज्यादा देता है। तो इसी तरीके से जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा में हम डायरेक्ट अल्लाह से नहीं मांगते हैं सबसे पहले हम अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं फिर अल्लाह से मांगते हैं। जैसे हम जब शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सारी खूबियां अल्लाह ताला के लिए जो सारी कायनात का मालिक है अर रहमान रहीम जो रहमत वाला है रहमान भी है और रहीम भी है मालिक यौमिद्दीन जो रोज़े जज़ा का मालिक है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। जब अल्लाह की इतनी तारीफ और तौसीफ बयान कर दी कि सारी खूबियां तेरे लिए हैं सारी तारीफें तेरे लिए हैं तो सारी कायनात का मालिक है रोज़े जज़ा का मालिक है तो रहमत वाला है हम तेरी ही इबादत करते हैं तुझसे ही मदद मांगते हैं। अब जब अल्लाह की इतनी तारीफ और तौसीफ बयान करने के बाद अब हम फिर अल्लाह से मांगते हैं इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम उस रास्ते पर जिस रास्ते पर तेरा इनाम हुआ है गैर المغضوب عليهم ولا الضالين ना कि उस रास्ते पर कि जिस पर तेरा गजब हुआ है। तो हम सबसे पहले अल्लाह की तारीफ मांगते करते हैं और उसके बाद फिर हम अल्लाह से क्या मांगते हैं अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला उस रास्ते पर जिस रास्ते पर तेरा इनाम हुआ है ना कि उस रास्ते पर कि जिस पर तेरा गजब हुआ है। तो जब इमाम अल फातिहा कहे तो आप या तो कोई दुआ मांग सकते हैं या सूरह फातिहा अगर पढ़ना चाहें तो आप सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं और उलमा ने जो बेहतरीन तरीका बताया है वो यही बताया है कि जब इमाम अल फातिहा कहे तो उसमें आप सूरह फातिहा ही पढ़ना चाहिए इसमें इंसान के लिए भलाई है और इंसान इसमें अल्लाह से हिदायत मांगता है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।